हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल चटोरी रजनी। और आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही यम्मी अरबी की सब्जी। सो मैंने हाथों में तिल का मस्टर्ड ऑयल लगा लिया था, सरसों का तेल, क्योंकि अरबी से वरना आपको खुजली हो सकती है। उसके बाद में इसको छील के मैंने इस तरीके से काट लिया है, अच्छे से धो के छन्नी में डाल दिया है। सो ये कट होके रेडी हो गई है हमारी अरबी। और खड़े मसाले के लिए मैंने यहाँ पे ये देखिए, सबसे पहले अदरक है थोड़ी सी और लहसुन ले रखे आपके स्वाद के अनुसार। आप लहसुन नहीं खाते हैं तो स्किप कर लीजिए। और यहाँ पे कुछ खड़े मसाले लिए हैं। सो ये है 2 चम्मच धनिया, कोरिएंडर सीड्स, जीरा, राई, सरसों राई जो पसंद हो आप ले सकते हैं। और ये मैंने लिया है दालचीनी, कुछ काली मिर्च, इलायची, लौंग, बड़ी इलायची और सूखी लाल मिर्च। सबसे पहले हम मिक्सी में पीसेंगे हमारा मसाला। तो ये सारे खड़े मसाले मैं मिक्सी में डाल के पहले पीस लेती हूँ, उसके बाद हम इसमें पीसेंगे अदरक और लहसुन। सो देखिए, इस तरीके से मैंने दरदरा पीस लिया है। अब मैं ये सारी अदरक और लहसुन डाल के इसे भी पीस लूँगी। आप चाहें तो मामूली सा पानी डाल के इसे पीस सकते हैं। सो ये देखिए, बहुत ही बढ़िया शानदार सा एक पेस्ट है जो मैंने पीस के रख लिया है पानी डाल के। बहुत यमी सी खुशबू आ रही है इसमें से। यहाँ पे मैंने कुकर लिया है क्योंकि हमें सीटी भी बजानी है, तो यहाँ थोड़ा सा तेल लेंगे। सो देयर आर 2 ऑप्शंस। मैं हल्का सा अरबी को पहले फ्राई करूँगी और फिर यूज़ करूँगी। आप चाहें तो ये स्किप करके कच्ची डाल के सीधा सीधा सीटी बजा सकते हैं। सो इससे क्या होता है पता है, जब आप हल्का सा उसे फ्राई करके निकालते हैं ना, तो बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। इस वजह से मैं उसे करूँगी फ्राई। सो यहाँ पे तेल गरम होने का करेंगे हम वेट। तेल बढ़िया से गरम हो गया है। अब इसमें ये मैं अब इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल देती हूँ। अरबी को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे जब तक ब्राउन टेक्सचर नहीं आ जाता उसके ऊपर। तो ये देखिए, हल्का हल्का जो है अरबी ब्राउन होना शुरू हो गई है एजेस से, जैसे फ्रेंच फ्राइज करते हैं ना, थोड़ा बहुत वैसे हो गया। अब मैं इन्हें बाहर निकाल लूँगी। ये देखिए, तो ये सारी अरबी हमने इस तरीके से निकाल ली। अब इसे साइड में रख देते हैं। उसी तेल में मैं डालूँगी 2-4 दाने मेथी के, थोड़ी सी अजवाइन और ये हमने जो मसाला पीसा था मैंने मिक्सी धो के उसमें पानी भी डाला था। तो ये देखिए, मसाला डाल के धीमी आंच पे मैं इसे अच्छे से भून रही हूँ ताकि सारे मसाले पक जाए और धीरे धीरे वो पानी जो इसके अंदर था ना वो बिल्कुल खत्म हो जाए और तेल ऊपर आ जाए। तो धीमी आंच पे 3-4 मिनट के अंदर ये हो जाएगा। मसाला देखिए बढ़िया से भुन गया है। इस टाइम पे हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च, अपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल लीजिएगा, थोड़ी सी अमचूर, नमक डालना भी बाकी था तो मैं डाल रही हूँ इसमें स्वाद के अनुसार नमक। और टमाटर आप पीस के इसमें डाल सकते हैं, 2 टमाटर मेरे पास पेस्ट है तो मैं टमाटर का थोड़ा सा पेस्ट डाल रही हूँ और इसे बढ़िया से हम मिक्स कर लेंगे। सो अगर आप टमाटर पीस के डाल रहे हैं तो ध्यान रखिए हल्का सा उसे अच्छे से आपको खोने दे ताकि उसका कच्चापन निकल जाए। ये देखिए कितना प्यारा कलर आ गया है इसका। अब इस टाइम पे मैं डालूंगी इसमें कसूरी मेथी। सो मेरे पास मैंने कसूरी मेथी को क्रश करके ऐसे पाउडर बना लिया था, मैं थोड़ा वो डाल देती हूँ। और क्योंकि मेरा पेस्ट ऑलरेडी कुक्ड है तो मुझे ज़्यादा कुकिंग की ज़रूरत नहीं है। मैं ये सारी हमारी अरबी डाल देते हैं और इसे कर देते हैं मिक्स। ये अरबी हो गई है मिक्स। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा पानी, क्योंकि ऐसे ही सीटी बजाएंगे तो जल जाएगा। तो ये थोड़ा सा पानी डाला है मैंने इसमें। मेरी काफ़ी गाढ़ी है ये, इसलिए मैं दिस इज़ परफेक्ट। अब मैं कुकर की सीटी लगा के, एक सीटी में हो जाएगी क्योंकि हमने ऑलरेडी अरबी को भून भी रखा है, तो मैं कुकर का ढक्कन लगाती हूँ। अब ढक्कन लगा के मैं आंच फुल कर रही हूँ
और एक सीटी बजा लूंगी, प्रेशर नहीं निकालेंगे जब तक खुद नहीं निकल जाती इसकी सारी स्टीम। एक सीटी आ गई थी, उसके बाद मैंने कुकर खोला है। अभी मैंने इसे धीमी आंच पे रखा है और अब मैं खूब सारा बारीक कटा हुआ धनिया डाल रही हूँ। धनिया मेरा बहुत फेवरेट होता है, तो ये टोटली ऑप्शनल है कि आपको डालना है कि नहीं। और मैं गैस बंद कर रही हूँ, तेल भी सारा ऊपर आ चुका है, ये देखिए। और चलिए मैं आपको चेक करा दूँ अगर अरबी बनी है कि नहीं। सो ये ले लेते हैं एक अरबी का पीस, ये देखिए बिल्कुल तैयार है। बहुत ज़्यादा सीटी मत बजाइएगा वरना अरबी जो है टोटली गल जाएगी। सो ये है मेरे सुबह सुबह की अरबी की सब्जी लंच बॉक्स के लिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। बाय बाय।